हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को मैं पैसिव वॉइस, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव टाइप का सेंटेंसेज का जो है मैं पैसिव वॉइस करना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस होता है, ए बी मतलब एक्टिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल है, सी वॉशेज द क्लॉथेज। तो मैंने आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो टेंसेज हैं उनको पहचानना सिखाया पिछली वीडियो में, और सभी टेंसेज की एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बताया, और साथ में उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो जाती हैं ये भी मैंने बताया। अतः आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के इंग्लिश सर्च कर लेना, और इंग्लिश में ही जो है ये सब वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें देख लेना, और फिर इस वीडियो को और अच्छे से देख करके एक्सरसाइज कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि एस लगा है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम इसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट और हेल्पिंग और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। तो ये जो है सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है और ये पूरा जो है ऑब्जेक्ट है। वह कपड़े धोती है, तो सब्जेक्ट की पहचान कौन कपड़े धोती, कौन उसे क्वेश्चन करके जो आंसर आएगा वही जो है उसका सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का। जैसे कौन कपड़े धोती है, वह, तो सी जो है सब्जेक्ट हो गया। और क्या क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है, जैसे वह क्या धोती है, तो कपड़े, तो द क्लॉथ है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लॉथेज। फिर इसके हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो क्लॉथेज जो है बहुवचन में है, प्लूरल नंबर, तो इज आर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसमें जो है आर लग जाएगा, बहुवचन है। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वास है, तो वास का थर्ड फॉर्म वाश्ड हो जाएगा। फिर बाई, फिर सी का हर, ये सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है सब नियम, उन्हें आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो उसका इसका जो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए दूसरा एक लेते हैं, नेहा गेव मी अ बुक। हिंदी बनेगी, नेहा ने मुझे एक किताब दी, तो कौन किताब दी, नेहा, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या दी, या अब ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वन है, ऑब्जेक्ट टू है, और देना ये हो गया मेन वर्ब। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं दोनों लेकर के चलता हूँ, ठीक है, तो आप बुक से स्टार्ट करता हूँ, तो
अ बुक। और ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें जो है वाज वर्ब लग जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो अ बुक है सिंगुलर नंबर, तो इसलिए इसमें वाज लग जाएगा। गेव का अब मेन वर्ब है, देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिव है, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गिवेन। गिव गिवेन ये होता है तीनों फॉर्म। और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बचा हुआ है क्या? मी, तो इसमें हो जाएगा टू मी, टू लगा देंगे प्रीपोजिशन। और मी बाई नेहा, इसका जो है दूसरा बन जाएगा आर, आर मतलब अथवा। जैसे कि मी से स्टार्ट करो तो मी का जब हम सब्जेक्ट मतलब इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट में तो मी का चेंज हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आई के साथ वाज लगता है, तो वाज लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिव है, तो गिवन हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है क्या बचा है इसमें? आई मैंने जो है मी को ले लिया तो ए बुक बचा है, तो अ बुक जो है इसको लिख देंगे। आई वाज गिवन अ बुक बाई नेहा। देखो ऑब्जेक्ट जो जिंदा होता है, जो मतलब निर्जीव सजीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, तो जो अगर मान लो निर्जीव लिए हैं तो निर्जीव लेने पर अगर सजीव को दिखाना है तो उसके साथ टू लगाएंगे, और यदि सजीव लिए हैं तो फिर उसमें टू नहीं दिखाएंगे, जो बाद में जो ऑब्जेक्ट बचता है उसमें उसके साथ टू नहीं लगाएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में भाई एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस ए भी, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। इसमें नॉट लगेगा तभी तो नेगेटिव होगा, तो है हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस नॉट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई लगाएंगे फिर सब्जेक्ट। तो ये थे जो है दो जो है एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि ले लिया जाए आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, इसकी हिंदी बनेगी मैंने एक पत्र नहीं लिखा था। तो किसने नहीं लिखा? मैंने, तो ये हो गया सब्जेक्ट। हैड नॉट क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? मेन वर्ब। और अब लेटर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ लेटर उठाएंगे, तो अ लेटर क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले होगा, और लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना हमको। ये किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन हो जाता है जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो नॉट में है तो इसलिए हैड बीन नॉट नहीं लिखेंगे, हैड फिर नॉट फिर बीन, अर्थात हैड बीन के बीच में नॉट लगेगा। और हैड नॉट बीन हो गया, फिर इसके बाद दिए हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन है, ये थर्ड फॉर्म पहले से दिए है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में पहले से थर्ड फॉर्म लगता है, तो रिटन ही रहेगा। फिर आगे दिए बाई, आई का चेंज कर दो क्या हो जाएगा? मी।
एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो दिए है यू आर राइटिंग अ लेटर, यू आर नॉट लगा दो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, हिंदी क्या बनेगी, आप एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके लिए पहले हम नियम लिख लेंगे। नियम पहले से लिखा तो इसका पहले हम सब्जेक्ट जानेंगे, तो यू सब्जेक्ट हो गया, आर नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई, और राइटिंग क्या हो गई मेन वर्ब, और अ लेटर क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, तो अ लेटर पहला अक्षर कैपिटल लेटर, इस चीज़ का ध्यान देना, इसलिए हम कैपिटल लेटर बना रहे हैं। और ये एक वचन है, एक कौन से टेंस का है इसको पहचानिए, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर मतलब आई एन जी फॉर्म लगा है और इज एम आर का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब इसका हम इसके जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें बीइंग लग जाता है, इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अ लेटर है एक वचन है तो इसके साथ इज लग जाएगा, अब बीइंग जोड़ देंगे, बी ई आई एन जी बीइंग, मेन वर्ब क्या हो जाएगी राइट का रिटर्न, और रिटर्न फिर इसके बाद बाई लगाना है, और यू का क्या हो जाता है यू ही रहता है, तो अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय यू। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप का और एक होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप का। तो पहला नंबर है यस नो टाइप का, चलिए देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होती है। जैसे एग्जांपल ले लें, शैल ही और शैल हम आई लगा दो, शैल आई हेल्प योर ब्रदर, क्या मैं तुम्हारे भाई की मदद करूंगा। तो इसके लिए जो है पहले नियम जान लीजिए, नियम ये है एक्टिव वॉइस जो है इसमें हेल्पिंग में पहले होती है और फिर बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब, फिर बाई वो, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट उठा लेना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। तो जैसे कि ये दिए था ये एक्टिव वॉइस है, अब हम इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, तो इसका अब जो है ऑब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, योर ब्रदर एक वचन है, तो एक वचन के मतलब योर ब्रदर है, और इसके साथ विल लगेगा क्योंकि इसमें जो है आई और वी के साथ सैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है, तो योर ब्रदर है तो विल लगेगा, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल भी हो जाता है, शैल विल तो लगता ही है लेकिन साथ भी जुड़ जाता है, तो लिखेंगे विल, इसके बाद ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है योर ब्रदर, भाई ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई क्या है सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, और ये तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो योर ब्रदर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है हेल्प्ड, फिर बाई सब्जेक्ट क्या आई, आई का क्या हो जाएगा मी हो गया।
एक और लेते हैं जिसमें नेगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव, जैसे कि मान लो आ जाए डिड ही नॉट ईट एन एप्पल, क्या उसने एक सेब नहीं खाया। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखेंगे ये एक्टिव वॉइस है, तो इसमें जो है ये पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट उठाएंगे, पहले वो हेल्पिंग वर्ब और फिर बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बाद में इस ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बनाएंगे इसका हम पैसिव वॉइस, तो इसमें अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है एन एप्पल। ये किस टेंस का जो सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, तो इसमें वाज वर्ब लग जाता है, तो ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, एक वचन है, इसलिए इसमें वाज लग जाएगा, वाज एन एप्पल। फिर क्या है, एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट एट ईटन, तो ईटन हो जाएगा, तो ई ए टी ई एन। फिर बाई लगाना है, फिर ही का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है तो हिम। अब जो है दूसरा है क्वेश्चन वर्ड टाइप का, मान लो क्वेश्चन वर्ड टाइप का दिए है वाई हैड द लायन किल्ड द डियर, तो हिंदी बनेगी शेर ने हिरण को क्यों मारा था। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम एक्टिव वॉइस जान लेते हैं, नियम जान लेते हैं। तो नियम ये है कि क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड होता है और फिर इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगी होती है एक्टिव वॉइस में, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई मेन वर्ब रहती है, मेन वर्ब रहता है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगी, ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे कि दिए है ये, इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, तो वाई फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, तो हैड बीन हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये द डियर, तो इसे हैड बीन लगेगा, तो हैड पहले हो जाएगा, फिर द डियर, फिर इसके बाद बीन, हैड बीन एक साथ नहीं लिखा जाता है, हैड के बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद फिर बीन, इसके बाद फिर जो है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा है किल, तो ये पहले से ही थर्ड फॉर्म है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वही वर्ब की थर्ड फॉर्म उतार देना है, तो किल्ड, फिर आगे बाई है, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा द लायन, तो आई हैड द डियर बीन किल्ड बाई द लायन क्वेश्चन मार्क। अब हु वाला सेंटेंस एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड जो है हु लगा हो, तो जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश,
तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है या कौन पढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट के रूप में कौन पढ़ाते हैं बोल सकते हैं। तो ये कौन सा टेंस है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब इसका हम पैसिव वाइज बनाएंगे तो हु का बाई होम हो जाता है, बाई होम। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारे दो हैं, एक यू है एक इंग्लिश है। तो आप यू से भी बना सकते हैं और आप इंग्लिश से भी बना सकते हैं। तो मान लो मैं पहले इंग्लिश से बना कर दिखाता हूँ। तो इंग्लिश एक वचन है, इसके लिए आप इसके साथ जो है इज एम आर में इज लगाएंगे। तो बाई होम इज, फिर इंग्लिश, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच का क्या हो जाएगा, टाट। और फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे टू, फिर यू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया है इसका जो है दूसरा रूप हो सकता है आर माने या, जो से स्टार्ट करना है। तो बाई होम, अब यू लगाएंगे तो आर लगेगा इसमें, बाई होम आर यू टाट इंग्लिश, बाई होम आर यू टाट इंग्लिश हो गया। एक नेगेटिव में बना कर दिखाते हैं आपको, जैसे कि लिखा है हु विल नाट हेल्प हिम, हिंदी बनेगी उसकी मदद कौन नहीं करेगा। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाय होम फिर इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब विल भी लग जाता है। तो हिम है ये ऑब्जेक्ट, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो विल लगा के इस ही लिख दो, फिर बी, फिर देखो नाट में है तो नाट पहले होगा, बाई होम विल ही नाट बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है व्हाई डिड द प्यून नाट क्लीन दिस रूम, चपरासी ने इस कमरे को क्यों नहीं साफ किया। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो है ये जो दिए क्वेश्चन वर्ड इसको पहले रखेंगे वाई, फिर टेंस पहचानने के कौन से टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो इसमें वाज वर्ड लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। और इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या है, दिस रूम, और जो है द प्यून क्या है, सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्लीन क्या है, मेन वर्ब। तो वाई वाज लगेगा, द प्यून दिस रूम है तो वाई वाज दिस रूम, वाई एक वचन है ना, इस वजह से वाज लगा है। फिर नाट है तो नाट लगा दो, फिर बीइंग लग जाए, वो बीइंग नहीं लगेगा, क्लीन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन्ड। फिर बाई लगा दो और इसके बाद सब्जेक्ट, तो द प्यून, तो वाई वॉश दिस रूम नॉट क्लीन्ड बाय द प्यून।